This is Gitu Mirpuri from Divine to Chilling Academy. Divine to Chilling Academy में tarot cards, astrology, numerology, vastu के classes conduct होते हैं. आप ये classes online भी सीख सकते हैं. ये video बन रहा है Aquarius sign kumbh राशि के लिए आपका मार्च 2020 कैसे जाने वाला है. यहाँ पर कार्ड आया है कि करियर के लिए आप बैलेंस्ड हैं. आप आपके घर को और आपके करियर को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं. आपका माइंड बैलेंस्ड है. आप आपके खर्चों को बैलेंस कर रहे हैं. आपका जो वर्किंग टाइम है, रेस्ट टाइम है, उसको बैलेंस कर रहे हैं. और यहाँ पर आया है कि दो आप बैलेंस कर रहे हैं आपके खर्चे और आपके इनकम को, लेकिन आप आपकी इनकम से खुश नहीं हैं. सो बेसिकली जो एक्वेरियस साइन है, कुंभ राशि है, उनका अभी साढ़े साथी चल रहा है. तो साढ़े साथी में बेसिकली आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है. शनि जी आपको बहुत ही पीसफुल लाइफ देते हैं अगर आपने अच्छे कर्म पास्ट में किए हैं या लास्ट बर्थ में किए हैं. और अगर आपने ये बर्थ में अच्छे पूजा पाठ किए हैं, शनि देव की पूजा की है, हनुमान जी की पूजा की है, ओल्ड लोगों को तंग नहीं किया है आपने, तो आपकी साढ़े साथी आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती है. लास्ट टू मंथ्स जनवरी फरवरी आप देख सकते हैं कि ग्राफ कैसे जा रहा है. अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो साढ़े साथी में आपकी इनकम बढ़ेगी, पर अगर लास्ट दो महीने में इनकम कम हुई है तो आगे आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. उसके लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि घर के नॉर्थ वेस्ट में, जिसको हम वायव्य कोना भी कहते हैं, वहां पर आप मेडिटेशन जरूर करें और घर के बुजुर्गों की सेवा जरूर करें, उनकी हेल्प जरूर करें. और उन्हें, अगर आप माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, तो अपनी इनकम में से 10% आप उनको जरूर भेजें. भले उनके पास है पैसे, लेकिन फिर भी आप उनको पैसे जरूर भेजें. इससे आपका भाग्य अच्छा होता है और आपका साढ़े साथी आपको तंग नहीं करता है. और घर के नॉर्थ वेस्ट में आप क्लीन रखें उस रूम को. और ये मून स्टोन के जो क्रिस्टल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे मून स्टोन का बॉल या तो फिर मून स्टोन के पेबल्स आप वहां पर रख सकते हैं, जिससे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका जो है वो एक्टिवेट होता है और जिससे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आती हैं. रिलेशनशिप के लिए दिखाता है कि अभी अगर आप रिलेशनशिप में थे तो टेम्पररली आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, या आप मैरिड हैं तो कुछ समय से आप आपके पार्टनर को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी. आपकी हेल्थ के लिए नेगेटिव कार्ड आया है कि आपकी जो सोच है वो आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स दे रही है और डिप्रेशन में आपको डाल रही है. तो उसके लिए भी आपको घर का नॉर्थ वेस्ट एक्टिवेट करना है विथ मून स्टोन. और घर पर एक ईशान्या कोने में मंदिर जरूर बनाना है. अगर मंदिर बनाना पॉसिबल नहीं है तो फिर एक भगवान का फोटो रखकर वहां पर आप दिया एक डेली जलाते हैं, तो इससे भी आपका वायव्य कोना जो है वो एक्टिवेट होता है और वहां से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं. वहां पर आप येलो कलर के क्रिस्टल्स रख सकते हैं, जिससे आपका ईशान्या कोना जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. आपके आध्यात्मिक के लिए कार्ड आया है कि माता की सेवा करें, इससे आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा और साढ़े साथी का कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा. अगर आप अपने मदर की ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनके इच्छाएं आप पूरी करते हैं. और अगर इनकेस किसी के अगर माता जीवित नहीं है, तो माता की उम्र की कोई भी लेडी को आप माता कंसिडर करके, अपनी माता कंसिडर करके आप उन्हें हर महीने राशन या फिर कुछ खर्चा पहुंचा सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं. अगर आप वृद्ध आश्रम जाते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही लकी है और साढ़े साथी का कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा अगर आप बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हैं. बेसिकली शनि जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप बुजुर्गों की सेवा कर रहे होते हैं. और जो नेगेटिव कार्ड आया है वो फाइनेंस को लेकर आया है. आपको पेशेंस जरूर रखना है. जब आपका फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा साढ़े साथी का, तब आपका फाइनेंशियल ग्रोथ और स्पीड अप होगा. तो अभी आपको सिर्फ कर्मास पे ध्यान देना है और आपके फल पर ध्यान नहीं देना है. फुल सिंसेरिटी से अपने करियर को ध्यान देना है और आपके रिलेशनशिप के साथ आपको जस्टिस करना है. थैंक यू.